बेहद की परम शांति। मैं आज बेहद के बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे समय को पहचानो, समय की पहचान, समय की वो पहचान करके आत्मस्वरूप बनने की पूरा पुरुषार्थ करो, ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे बढ़ो। समय सूक्ष्म जगत वाले चला रहे हैं, अभी किसी के हाथ में समय नहीं है। धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय हैं उनको चलाने वाले सूक्ष्म जगत वाले वो चला रहे हैं, और अभी उनको रोकने के लिए परम शांति के वाइब्रेशन चलाने वाली आत्माएं बहुत कम हैं। हमें 9 लाख बच्चों को किसी न किसी तरह ढूंढना है। बेहद के बच्चे 9 लाख आएंगे तो उनके साथ 33 कोटि देवी देवता भी आएंगे, और सब मिलकर जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे तब धरती और पूरा ब्रह्मांड को भी परम शांति से भर देंगे। मगर अभी बेहद के बच्चे नाक के बराबर है, मुट्ठी भर आत्मा है, और उसमें सब माया में फंसे हैं। तो सभी बेहद के बच्चे जितने भी हैं हमें हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है, स्व परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, आत्मस्वरूप बनना है हमेशा। तो ज्ञान सागर में बार बार डूबो, जब भी दुखी हो तो ज्ञान सागर में डूबो, विचार ज्ञान का विचार सागर मंथन करो और योग लगाओ। योग लगा ज्ञान योग से विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावर आएगा, प्यार होगा, बेहद के बाप से बेहद का प्यार होगा, बेहद के परिवार से प्यार होगा, तो जरूर पावर आएगा, प्यार ही पावर है। तो बेहद के बच्चे हिम्मत रखें, समय बहुत नाजुक चल रहे हैं, स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ करें, ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे बढ़े। हमें सबको ढूंढना है, किसी भी तरह सबको ढूंढना है, ढूंढ निकाल के सबको वापस अपने घर ले जाना है। जैसे बिक्के वाले कहते हैं ना, शिव बाबा लेने आए हैं हमें, वापस परम धाम जाना है, वापस घर जाना है, घर जाना है। तो यहाँ बेहद का बाप बेहद के बच्चों को लेने आया हुआ है, और बेहद के बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर, 9 लाख बेहद के बच्चे हैं और 33 कोटि देवताओं को भी साथ में ढूंढना है, क्योंकि देवी देवताओं का रचयिता भी आया हुआ है, और वो भी अपने अपने बच्चों को सबको चारों ओर सब मिलकर ढूंढ रहे हैं, और सभी बच्चों को ढूंढ के ले जाएंगे वापस अपने अपने घर। बेहद के बच्चों का घर तो बेहद का परमधाम है, बेहद की कला का परमधाम वापस जाना है। बेहद के अभिमान में तैयारी हो रही है, कुछ आत्मा बैठ गई हैं, कुछ सूक्ष्मतन में कुछ आत्माएं तैयार है जाती हैं, कुछ 33 कोटि देवी देवताओं का अभिमान तैयार है। ऐसी तरह अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं भी सूक्ष्मतन में हैं, जो अच्छी अच्छी आत्माएं भी काम कर रही हैं सूक्ष्मतन में, मगर वो इनको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। सबसे लक्ष्य मनुष्य का लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए कि मुझे अपने आपको कहाँ जाना है, क्या है, मृत्यु लोक में रहना है तो मृत्यु लोक है, अमर लोक जाना है तो अमर कथा सुननी पड़ेगी, जैसे शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो अमर कथा, अमर लोक माना ब्रह्म लोक माना परम धाम, तो ये ब्रह्मांड का परम धाम की बात थी। यहाँ तो एक ब्रह्मांड या महाब्रह्मांड या परम महाब्रह्मांड या मल्टीवर्स के परम धाम की बात नहीं है, बेहद की कला के परम धाम में जाना है बेहद के बच्चों को। बाकी सभी अपने अपने रचयिता के पास जाएंगे, इसलिए हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। तुम्हें हमेशा खुशी में रहना चाहिए, ज्ञान के अनमोल मोती तुम्हारे पास है। बेहद का ज्ञान जिनको समझ में आ रहा है वो बेहद की आत्मा है, और बेहद की आत्माओं को बेहद का ज्ञान समझने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे लौकिक पढ़ाई में कितना मेहनत करते हैं तो एक जन्म के लिए ये पढ़ाई काम में आती है, मरने के बाद तो लौकिक पढ़ाई कितनी भी हो काम में नहीं आती, लौकिक कोई भी चीज़, हद की कोई भी चीज़ काम में नहीं आती। तो बेहद के बच्चे बेहद की सेवा करेंगे तो बेहद का भाग्य बनेगा, हद की सेवा में करेंगे तो हद का भाग्य बनेगा। तो बेहद के बच्चे उनको कहेंगे जो बेहद की ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे बढ़े, समय का इंतजार ना करे, स्व परिवर्तन करे, कर्मातीत अवस्था की ओर जाए, त्रिगुणातीत बने,
सतो रजो तमो से भी परे चले जाए। हमेशा याद वहाँ कहाँ रे, जहाँ अब जाना है। पुरानी दुनिया को भूल जाओ, नई दुनिया को याद करो। हमें बेहद की कला के परम धाम से पावर उतार कर स्व परिवर्तन करके दूसरों को भी परिवर्तन करना है और सबको जगाना है, ज्ञान से सबको जगाना है। इसलिए ज्ञान दान महादान। तो बेहद का ज्ञान दोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा, बेहद का ज्ञान बेहद के बच्चों को बेहद के परमधाम में ले जाएगा। बेहद के परमधाम में हमेशा बुद्धि से रहो, याद करो और बेहद के परमपिता से पावर लो और आगे बढ़ो। परम शांति। परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.